हाय एवरीवन दोस्तों, हम लोग सी टेट पेपर सेकंड का साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सेल। कंपलसरी हर साल क्वेश्चन आते हैं इस पर, कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा आपको, एक कभी कभी दो भी आ जाते। तो सेल कल हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश की थी और कहा था मैंने कि हम लोग सेल को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सेल लगभग एक जैसी ही है, इसमें फर्क थोड़ा है, जो कि एक है जो प्लांट सेल है उसमें ये सेल वॉल एक्स्ट्रा है और ये जो ग्रीन पिगमेंट है जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ये एक एक्स्ट्रा है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ये जो अलग चीज़ें ये हम लोग लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, किसी एक सेल को अच्छे से डिस्कस करते हैं और फिर बाद में जो डिफरेंसेस है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सिस्टम की जो सेल है मैं इसको डिस्कस करता हूँ क्योंकि क्लियर दिखेंगे आपको, इसको समझते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, एक एक समझते दोस्तों, आराम से समझते। पहले देखते हैं हम लोग, देखो यहाँ देखो इसको तीन हिस्से में समझना है। पहले देखो ये जो बाहर की जो वॉल है या जिससे उसको शेप आता है वो है सेल मेम्ब्रेन, ये पहला। उसके बाद में ये सेंटर पोजिशन पर आता न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, और उसके बीच में आता ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये तीनों। तो इसे तीन ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे, पहले सेल मेम्ब्रेन देखेंगे, फिर बाद में ये जो ऑर्गेनेल्स है ये देखेंगे, और लास्ट में न्यूक्लियस देखेंगे, ठीक है। तो पहले करते हैं डिस्कस, पहले ये स्टार्ट में ये आपकी सेल मेम्ब्रेन ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेल को शेप देता है। अब ये तीनों तरह की सेल में होता है, एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है, और कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखे थे तो उसमें भी मेम्ब्रेन है, तो ये सब सेल में पाया जाता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेमी परमेबल होता है, सेमी परमेबल मतलब इसके अंदर में जो हम लोग न्यूट्रिशन डाइजेस्ट करते हैं ना वो सेल के अंदर आता है। तो इसमें बहुत सारी सिलेक्टेड चीज़ें ही अंदर आ सकती है और कुछ सिलेक्टेड चीज़ें ही बाहर जा सकती है, मतलब सारी चीज़ें अंदर आ रही है और सारी चीज़ें बाहर जा रही है ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही परमिट करता है, इसलिए इसको सेमी परमेबल बोलते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसकी वजह से सेल को शेप मिलता और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इससे हो रही कोशिश होती है, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हम लोग, ये जो आप दिख रहे हैं ये ब्लू लिक्विड, ये जो ब्लू लिक्विड देख रहे हैं ना इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। मैं यहाँ उसका नाम लिखता हूँ, साइटोप्लाज्म है ना, ये जेली लाइक एक लिक्विड होता है, सब्सटेंस होता है, चिपचिपा होता है। इसमें जो हम डाइजेशन, जो हमारा न्यूट्रिशन है वो आके पहले इसमें ही मिलता है, और जो साइटोप्लाज्म है ना ये बाकी सारा न्यूट्रिशन सबको सप्लाई करता है अकॉर्डिंग टू उनके फंक्शन, उसके हिसाब से करता है। साथ साथ ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है इनको एक जगह देता है ताकि वो अपना यहाँ से फंक्शन परफॉर्म करके। तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक चिपचिपा सब्सटेंस रहता है, ठीक है। इसमें सारा न्यूट्रिशन डाइजेशन के बाद में सारा न्यूट्रिशन इसमें आता है और यहाँ से फिर सबको वो सिस्टमेटिकली प्रोवाइड किया जाता है, तो इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं, ये जो दिख रही चप्पल टाइप, इसको मैं चप्पल टाइप बोलता हूँ, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको इसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं और पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एनर्जी है ना वो यहीं पे तैयार होती है। हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यहीं पे आता है O2 प्लस हम खाना खाते कार्बोहाइड्रेट प्लस CH कार्बोहाइड्रेट, अब इनकी यहाँ पर एक रिएक्शन होती और यहाँ पर तैयार होता HCO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस से बाहर छोड़ देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे ATP तैयार होता है, ATP जो कि हम लोग एनर्जी की तरह यूज़ करते हैं, और बाकी वाटर तैयार होता पानी, ठीक है। तो ये रिस्पायरेशन की प्रोसेस पूरी यहीं पे होती है और हमको यहाँ से ATP की शक्ल में एनर्जी मिलती है, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस बोलते हैं इसको, यहीं से सारी एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट, तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक चीज आप याद रखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो न्यूक्लियस के अंदर में क्या आता है, DNA आता है, यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ DNA देखेंगे आपको, DNA अंदर हम डिस्कस करेंगे इसको, बट माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का एक अपना DNA होता है। साफ तौर पे सवाल कई बार पूछा है कि कौन सी जगह पर DNA खुद का होता है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और एक DNA आता न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर में, तो हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में क्या याद रखना है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं पहला, दूसरा यहाँ पर एनर्जी मतलब वही पहला यहीं पे पावर ऑफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्पायरेशन की प्रोसेस मुकम्मल होती है हमारी,
और यहाँ पे हम लोग एनर्जी तैयार करते हैं हमारी जो डेली एक्टिविटी करने के लिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जो बैठ के पढ़ रहे हो, और आप जो भी करेंगे तो जो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो यहीं पे तैयार होती है, इसलिए इसको पावर ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका खुद का डीएनए होता है अंदर, वो याद रखिए। और ये रिस्पायरेशन के लिए एक जगह है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो यहाँ पर आपको ये दिखेगा लाइसोसोम, ये जो टिपके दिख रहे हैं इसकी तरह, टोमेटो की तरह गोल गोल टिपके, ये छोटे छोटे, इसको बोलते हैं लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स। ठीक है, ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम को गार्बेज बैग भी बोलते हैं और सुसाइड बैग भी बोलते हैं, या गार्बेज हाउस या सुसाइड बैग बोलते हैं इसको, समझते हैं। देखो इसमें से जो अनवांटेड वेस्ट चीज़ें हैं ना, वो लाइसोसोम में जमा होते हैं, और लाइसोसोम क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करके ख़त्म कर देता है, एक तरह का डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब सेल के अंदर में का जो कचरा है पूरा, जो गार्बेज है, वो पूरा यहाँ पे जमा होता और ये उसको वहीं पर डिस्ट्रॉयड कर देता, तो इसलिए इसको गार्बेज हाउस भी बोलते हैं। दूसरा, इसको सुसाइड बैग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो गार्बेज, जो बोल रहा हूँ मैं, जो अनवांटेड चीज़ें इसके अंदर जमा होती है, तो वो उसे डाइजेस्ट करता है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ले हाईली हाईली एसिडिक, हाईली स्ट्रांग एसिडिक एंजाइम रहते हैं, वो क्या करते हैं, अगर इन केस लाइसोसोम फूट गया, किसी तरह लीकेज हो गया, तो वो जो उसके अंदर में के जो एसिड होता है या एंजाइम होते हैं ना, वो पूरी सेल को तबाह कर देते हैं। इसलिए ये जो लाइसोसोम है, इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं। ये दो रीज़न इसके। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये जो दिख रहा है आपको, ये भूल भलैया, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ आती है और एक स्मूथ आती है, खैर हम इसमें डिटेल में नहीं जाते। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसके अंदर में ना ब्लैक कलर के डॉट होते हैं, ऐसे ब्लैक कलर के डॉट होते हैं। ठीक है, ये डॉट, तो ये इनको कहते हैं राइबोसोम। ये जो मैंने काले डॉट बनाए ना, इनको बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। ये डॉट ही क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम यहीं पे होता है। मतलब यहाँ से डीएनए एक मैसेंजर भेजेगा, फिर यहाँ से न्यूट्रिशन जमाऊंगा। कुल मिला के डिटेल में नहीं जाके, बस इतना आपको समझना है कि राइजोसोम का काम क्या है, कि प्रोटीन सिंथेसिस करना। जो हम खाना खाते हैं वो हजम होके एक अमीनो एसिड में आता है, फिर बाद में हम उसको प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, और ये प्रोटीन सिंथेसिस करने की वजह से ही हमारी बॉडी बिल्ड होती है, या फिर कह सकते हैं ये जो सेल में जितनी सारी चीज़ें हैं वो जिस चीज़ की बनी है वो है प्रोटीन, और प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम राइबोसोम करता है। अब देखिए यहाँ पर है ना प्रोटीन, यहाँ पर राइबोसोम सिर्फ प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं, बट प्रोटीन यहाँ पे मुकम्मल नहीं होता है, मतलब पूरा तरीके से बन नहीं जाता है, उसमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है। तो क्या होता है, ये जो राइबोसोम है ना, यहाँ से क्या करेंगे, फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे इधर, और यहाँ से जो प्रोटीन सिंथेसिस किया गया है उसके गोले बनेंगे, या एक बैगेज, एक सैक बनेंगी, या फिर एक वो बनेगा, और वो क्या करेगा, वो जाके कहाँ जाएगा, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये जो दिख रहा है ना, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो प्रोटीन यहाँ से सिंथेसिस करेगा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके इसके पास भेजेगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बाद में। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उसमें लिपिड मिलाएगा, मतलब एक तरह का फैट मिक्स करेगा, या फिर उसको और मेच्योर प्रोटीन बनाने की कोशिश करेगा, और फिर बाद में सप्लाई करेगा सारे सेल्स को, और उससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का काम है यहाँ पे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इसको। ठीक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस, मतलब फाइनल प्रोटीन को कंप्लीट डिजाइन यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स में मिलता है, उसमें लिपिड ऐड होता है, और फिर बाद में सारी सेल्स को, या फिर सेल ऑर्गेनल्स को, या फिर पूरी शरीर को हमारे को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये इसके काम है। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है वो है, सारे इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस कर लिए इसमें से। ठीक है, अब डीएनए पे आते हैं, देखो सॉरी न्यूक्लियस पे आते हैं। ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर और एक न्यूक्ली आता, न्यूक्ली, और न्यूक्ली के अंदर में क्रोमोजोम आते हैं, क्रोमोजोम ऐसे धागे टाइप, थ्रेड टाइप दिखेंगे आपको, धागे टाइप, इसको क्रोमोजोम बोलते हैं, क्रोमोजोम। अब ये क्रोमोजोम के अंदर में जीन आता है, और जीन के अंदर डीएनए आता। ठीक है, इसके अंदर फिर क्रोमोजोम के अंदर डीएनए आता। डीएनए एक जेनेटिकल मटेरियल है ना, जेनेटिकल मटेरियल मतलब यहाँ पर हर इंसान की अपनी एक जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन कोडिफाई होती है और स्टोर होती है। फिर बाद में यहाँ से हम लोग वो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन जो अपने, मतलब पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, जो उनकी जनरेशन है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, उसका डिवीजन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन के टॉपिक में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इतना ही समझो आप कि जो क्रोमोजोम है उसके अंदर जीन आते हैं, और जीन के अंदर डीएनए आता है। डीएनए क्या है, हमारा
जेनेटिकल मटेरियल है जिसमें हमारी जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन कोडिफाइड है, वो जेनेटिकल जो कैरेक्टर्स है वो पेरेंट्स क्या करते हैं अपनी जनरेशन को ट्रांसफ़र करते जाते, ठीक है, तो वो डीएनए के अंदर प्रोसेस होती है, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अब आपको ये ना यहाँ पर याद रखना मेम्ब्रेंस है, फिर बाद में ये मेम्ब्रेंस होगी, उसके बाद में साइटोप्लाज्म, फिर बाद में सेल ऑर्गेनेल्स, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में फिर क्रोमोसोम और डीएनए वगैरह, ठीक है। इसकी सीक्वेंस में भी बहुत बार सवाल पूछा है कि आप पहले क्या है, पहले क्या है, अंदर 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 जाते जाएंगे तो सीक्वेंस में आपको उनके नाम बताने हैं, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्कस करे, ये करे हमने एक एनिमल सेल का, अब जो फर्क है प्लांट सेल और एनिमल सेल का वो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर प्लांट सेल में पहली खास बात क्या है कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, जो देख रहे हैं आप ये सेल वॉल, सेल वॉल ये एनिमल सेल में अब्सेंट होती है, ये प्लांट सेल में होती है। और जो मैंने आपको कल बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल वॉल होती है, मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पर रिपीट रिपीट क्वेश्चन है। सेल वॉल सिर्फ क्या होती है, प्लांट सेल और प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरिया की सेल होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो बनी रहती है ना, ये जो सेल वॉल बनी है, सेल वॉल जो ग्रीन कलर की दिख रही है, ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। अब ये सिर्फ प्लांट्स में ही पाई जाती है, इसमें एनिमल में नहीं पाई जाती है। देखो बहुत सारे ऐसे एनिमल है वो सिर्फ क्या करते हैं, घास नहीं खा सकते, जैसे इंसान नहीं खा सकते घास, खा सकते मतलब हम लोग खाते घास नहीं खाते पर खाते घास, जैसे हम लोग वेजिटेबल्स खाते पर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो जो घास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मेरा कहने का मतलब है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल बनी है सेल्युलोज से, तो सेल्युलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इंसान के साथ साथ बहुत सारे कार्निवेरस एनिमल में नहीं होते हैं। जैसे कि टाइगर कभी घास नहीं खाएगा जंगल में होने के बावजूद भी, क्यों, क्योंकि वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता सेल्युलोज को, इस वजह से वो खाता नहीं उसको, एक मेन वजह है। और जो इसको हजम कर पाते उनके अंदर पेट में उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक स्पेशल सिस्टम होता है जो खास तौर पे सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। तो ये सेलुलोज होते हैं उसमें मेन। और एक जो फर्क है प्लांट सेल का वो है ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट, इसको मैं थोड़ा तक आपको सेल से समझाने की कोशिश करता, प्लांट सेल यहाँ समझते हैं इसको, ये सेल्स है, ये प्लांट सेल है, देखो इसमें बहुत अच्छे से समझ में आती। तो ये जो ग्रीन पिगमेंट है जिसको बोलते क्लोरोप्लास्ट है ना, इसको बोलते क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर में आप ये जो गोल गोल चकतियाँ देख रहे हैं इसको बोलते हैं थैलोकॉइड, और ये थैलोकॉइड के अंदर में आता है ग्रीन पिगमेंट जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, 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 ठीक है। ये क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस का काम करता है। देखो प्लांट्स अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, खुद की एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है ना वो यहीं पे होती है। मैं आगे आपको जब प्लांट्स पढ़ाऊंगा तब और समझाऊंगा, अभी और थोड़ा समझते हैं हम लोग इसको। देखो जो प्लांट्स क्या करते हैं, जो स्टोमेटा रहता जहाँ से वो सांस लेते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे, वहाँ से क्या करेंगे एब्जॉर्ब करेंगे CO2, मतलब एटमॉस्फेयर में से CO2 एब्जॉर्ब करते हैं यहाँ पे। प्लस जो प्लांट्स है उसकी रूट से होकर पानी ऊपर तक आता वो रहता H2O, मतलब ये दोनों, और सनलाइट, यहाँ पर सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पर एक रिएक्शन होती है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस के टॉपिक में डिटेल में इसको पूरी तरह से समझेंगे। और यहाँ से क्या तैयार होता है, बाय प्रोडक्ट O2, ऑक्सीजन जो बाहर प्लांट छोड़ देते हैं, साथ साथ ATP तैयार होता है जो ये जो प्लांट्स है ना अपनी मूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर लेता है, और उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट, यही कार्बोहाइड्रेट एक्सेसिव हो गया तो स्टोर होता है काय में, ये स्टोर होगा फ्रूट्स में, उसके बाद में सीड्स रूट्स फ्लावर, तो ये सब सारी चीज़ों में वो स्टोर होता है एक्सेसिव हो गया तो। और वही हम लोग यूज़ करके, हम मतलब जो एनिमल्स है वो इसी को यूज़ करके अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल कराते हैं। तो ये इसमें क्लोरोप्लास्ट में पूरी क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की जो पूरी प्रोसेस है वो मुकम्मल होती है, ठीक है। तो ये सेल के बारे में जो फ़र्क है वो दो मैंने आपको बताया। देखो आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछेगा ही पूछेगा हर हाल में, तो इसलिए बेसिक तौर पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में और जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है या टॉपिक्स है उस पर डिस्कस करूँगा। आप लोग अगर नए हैं तो ये जो वीडियो है इसको शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटिन्यूसली हम लोग धीरे धीरे करके पूरा कंप्लीट साइंस डिस्कस करेंगे, अभी 2 महीने हमारे पास काफ़ी टाइम है, ठीक है। और एक सूचना देता हूँ, जो हमारी पेड बैचेस है
सीटेट की पेपर फर्स्ट सेकंड की सारी बैचेस अभी चालू है। जो इंटरेस्टेड है क्लास में, मतलब क्लास लगा के स्टडी करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही क्लास होती है। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल पे नंबर मिलेगा, आप कॉल करके भी बाकी डिटेल जान सकते हैं। हम लोग कल फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे छोटी सी नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक ले जाना, तो बाय बाय।